सुख बड़ो भू पाछी मध्य मंदिर बारे हजार बीच मौल श्यामा जी को इन चारों तरफों द्वार, इन चारों तरफों द्वार। श्री रंग महल की पांची भूमिका के ठीक मध्य नौ चौके, उनमें मध्य के चौक अर्थात मध्य की महाहवेली में श्री राज श्यामा जी व सखियों के 12,000 मंदिर हैं। और इन्हीं में ठीक मध्य श्यामा जी के शयन का रंग परवाली मंदिर है। चारों दिशाओं में चार द्वार है। श्री श्यामा जी के शयन का मंदिर परवाल का बना हुआ अत्यधिक लाल रंग का है, इसलिए इसे रंग परवाली मंदिर कहते हैं। तो आइए सुंदर सा, सबसे पहले हम पांची भूम पहुंचते हैं और पांची भूम से मध्य के उन चौक तक पहुंचते हैं जहां पर हमारे शयन के मंदिर आए हैं। हकीकत की लीला में वाहिदत की भूमिका, उन हकीकत की लीला में भी वाहिदत में कर करने वाली ये लीला। चौथी भूम से निरत की जब लीला हुई, आप श्री राज श्यामा जी पांची भूम जाने के लिए उठे तो चौथी भूम इन निरत की हवेली से निकलकर आते हैं सीढ़ी वाले मंदिर से। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर सीढ़ियों की अति सुंदरता को महसूस करते हुए नृत्य की वो उल्लास वो उमंग अंग प्रतंग में है, उन शोभा को थिरकते हुए थिरकते कदमों से सीढ़ियों को चढ़ना और उन समय आभूषणों की खोज नवो भूमिका में। चौथी भूम से पांची भूम आए और मध्य गली में आकर खड़े हुए और अब हमें चलना है इन मध्य चौक की ओर। हवेलियों के इन नौ फिरावों को पार करना है। चौरस गोल चौरस गोल चौरस गोल चौरस, आठ फिरावे चौरस गोल के, नवा फिरावा पंच मोहल्ले का, आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी को पार करके इन मध्य चौक में चलना है। तो हम इन मध्य गली में हैं, हमें भीतर चलना है। तो एक सुंदर पिया जी के लिए अस्वारी हास्य कवि चित्रामन से निकलते वो हाथी हास्य, कभी अश्व हास्य तो कभी नूरी बग्घी हास्य। आज दिल में इच्छा है कि हम बग्घी पे सवार होके अपने शयन के मंदिर पे चले, पिया सब एक साथ हम सब मिलावा उन बग्घी पर अस्वार होता हुआ। अस्वार होते समय आभूषणों की मीठी झनकार, वो बत्तियों की गूंज, आपस में मीठी मीठी बत्तियां, वो खिलखिलाहट, हंसी के पोर सिंगार, सब बग्घी पर सवार हुए और धीरे धीरे शोभा देखते हुए आगे बढ़े हैं। इन मध्य गली से होते हुए आमने सामने जहाँ हवेली के द्वार पड़ रहे हैं उन 24 मेहराबों की सुंदर शोभा, एक सुंदर नूरी समा मध्य गली से होते हुए हर शहर में चेतनता महसूस करते हुए धरती और कोमल होती हुई वो थम भी रास्ता देते हुए और इन मध्य चौक में जहाँ चार हवेली के कोने मिल रहे हैं मध्य चबूतरा भी पिया के अभिनंदन में जमीन के चित्रामन में मिलता हुआ। और जब यहाँ से हमारी अस्वारी निकल गई और पीछे मुड़कर देखे तो कैसे ये चबूतरा कमर पर उन्हें मुस्कुराता हुआ उठता हुआ, थंबों की शोभा चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, किलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, उन सुंदर सुहाने समा में थंबों से उन मेहराबों की सुंदर शोभा, वो मध्यम मध्यम संगीत, हल्की हल्की रोशनी में आगे जाना, एक एक हवेली की सुंदर शोभा नूरी जगीरों से झिलमिलाती तो कई फूलों की सुगंधी से लबरेज करती, इन हवेलियों की शोभा देखते हुए
हमने पहली चौरस हवेली का फिरावा पार किया और दूसरा फिरावा है गोल हवेली का। तो बड़ी प्यारी सी शोभा, 24 में रागों की शोभा, और यह थम कैसी प्यारी युक्ति से गोलाई में घूमते हुए, कितनी सुंदर शोभा। और जहाँ चार हवेलियां गोल हवेलियां आपस में मिल रही हैं, वहां पर सुंदर चौक बनते हुए, एक एक हवेली की सुंदर आभा रंगों नगों में छिल मिलाते हुए, स्थान स्थान पर सुंदर बैठ के सुंदर चबूतरे नूर से लबरेज हर्ष छिल मिलाती शोभा। और कैसे अभिनंदन के लिए चित्रामन के पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां निकलते हुए, कभी वाजंत्र बजाते हुए तो कभी नृत्य करते हुए, बग्घी के आगे पीछे बेशुमार नृत्य करते हुए चलते हुए, गोल हवेली का दूसरा फिरावा पार किया। उन्हें चौरस हवेली इस सुंदर शोभा को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चौरस गोल, चौरस गोल, चौरस गोल, 8 फिरावे पार किए। नवा फिरावा पंच मोले का, अति सुंदर शोभा मध्य त्रिपोली से एक एक हवेली की शोभा। एक एक हवेली में 5 मंदिर, पिया जी की पांचों शक्तियों को याद दिलाते हुए इस शोभा को देखते हुए पार किया। तो आगे 28 मंदिर की फुलवारी, घेर कराई 28 मंदिर की फुलवारी, श्री रंग महल के भीतर फूल बाग सा नजारा, कहीं अनबन सा नजारा, कहीं दूर दरीचे सा सिंहासन कुर्सियां, अति सुंदर बैठ के नेहरू की सुंदर शोभा, नेहरू की रोसों की सुंदर शोभा, आड़े खड़ी नहरें जा कट रही हैं, वहां पर चबच्चों की सुंदर शोभा, एक एक चबच्चे से उठते फवारे, और आगे 3 चौकों की 3 हारे इन 28 मंदिर की फुलवाड़ी में है। तो हर दिशा में हमें 630 मंदिर की सुंदर दीवार दिखाई देती हुई और चारों कोनों में जल के स्तोत्र। पूरब दिशा में है, उत्तर दिशा में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है 28 मंदिर की विशालतम, अति विशाल वो फुलवाड़ी, उनमें खड़े हैं और इन दीवार की शोभा देख रहे हैं। चारों कोनों में जल के स्तोत्र 16 पहर के सुंदर जगमगाते हुए, 8 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और इनकी विड्थ 24 मंदिर की, और इन 630 मंदिर की दीवार में हमें 24 बड़े दरवाजे दिखाई देते हैं। इन बड़े दरवाजों की सुंदर शोभा, ये बड़े दरवाजे यहाँ पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा मंदिर दरवाजे की शोभा के वास्ते आया, जहां पर 88 हाथ के लंबे चौड़े द्वार की शोभा हुई, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी और दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार। तो हर दिशा में एक चौक में 8 तीनों चौकों के मिला के 24 तो बड़े दरवाजे हुए। ये हमारी 630 मंदिर की दीवार है। वो कैसे? क्योंकि एक महावेली या एक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो 210 + 210 + 210, तो ये हमारे पास 630 मंदिर की दीवार है। हर दिशा में 630 मंदिर की दीवार, जिसमें 24 बड़े दरवाजे, और बाकी मंदिरों में हम देखेंगे मंदिर मंदिर की हद पर अक्षी थम, उन पर अक्षी मेहराब, मेहराब की नोक पर लाल मणिक का फूल, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी, उन्हें 3 मेहराबे, मध्य की मेहराब में दरवाजा, दाएं बाएं दीवार, और इन मेहराब के ऊपर झरोखे की सुंदर शोभा,
इन मंदिरों में चरोखा क्यों आया है? क्योंकि आगे फुलवाड़ी की शोभा है, यहाँ पर चरोखे की शोभा, और इसका वर्णन वाणी में आता है। मंदिरों माही खिड़कियां बाहर दीवालों के चारों कोने गुर्ज से तित दो दो चरोखे। ये जो तीन चौकों की तीन हारे हैं, इनकी जो बाहरी दीवार है जो 28 मंदिर के चौक की तरफ आई है, इन दीवार में उन 24 बड़े दरवाजों के अतिरिक्त जो मंदिर हैं उनकी मेहराब के ऊपर चरोखे की शोभा आई है। और ये जो चारों कोनों के जो गुर्ज है, जैसे इस गुर्ज की शोभा ले तो ये उत्तर दिशा में भी इनकी दीवार है और पूर्व दिशा में भी दीवार है, तो यहाँ पर दो दो चरखों की शोभा हो। तो इस तरह से हर दिशा में 630 मंदिर की सुंदर दीवार अब इन मध्य चौक की सुंदर शोभा देखते हैं। तीन चौकों की तीन हारे समान रूप से शोभायमान, लेकिन शयन की लीला इन मध्य चौक में होती है, क्योंकि यहाँ रंग परवाली मंदिर है, हमारे श्यामा जी के शयन का मंदिर, और हमारी शयन की लीला भी इन मध्य चौक में होती है। तो इन चौक की शोभा देखते हैं। ये चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा, 210 मंदिर का लंबा चौड़ा कोने के जो मंदिर है ये गुर्ज रूप में है, तीन सीढ़ी ऊंचे आए हैं, और चारों दिशाओं में आठ आठ बड़े दरवाजे हो गए। तो जब इन मंदिरों को गिनती में शुमार लाते हैं तो हर दिशा में 200 मंदिर है। इन मंदिरों की हार के भीतर एक गली, फिर नौ चौकों की नौ हारे, या प्रतीक रूप में तीन चौकों की तीन हारे दिखा रखी हैं, यह नौ चौकों की नौ हारे, और उनके मध्य आठ हवेलियों की आठ हारे। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं, ये पहला चौक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये पहली है नौ चौकों की, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं। चार कोने के दोपड़े के चौक कहलाते हैं, जिनके दो रास्ते हुए। चारों कोनों के निकल गए तो हर दिशा में सात सात रहे, ये हैं हमारे त्रिपड़े के चौक, जिनके तीन रास्ते हैं। अब चारों किनार के जब चौक निकल गए तो मध्य रहे सात की सात हार चौक, ये हैं चौपड़े के चौक 49। चार चौक हुए दोपड़े के, 28 हुए त्रिपड़े के, और 49 चौक हुए हमारे चौपड़े के। अब सबसे पहले हम चारों कोनों के इन चौक की शोभा देखते हैं। इन चौक की हम शोभा देखते हैं। इन चौक में हम देखते हैं दो दिशा में रास्ते हैं और दो तरफ चौक की दीवार आ गई है। तो हम देखेंगे इन मंदिरों की हार के भीतरी तरफ एक गली, और यहाँ पर कोने में सात मंदिर का लंबा चौड़ा, सात मंदिर का लंबा चौड़ा ढोपड़े का चौक, सात मंदिर की लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे मंदिरों की हार एक गली, और इन चौक के थंबों की हार के साथ साथ ही ये दो थंब की हार तीन गली बिल्कुल इसके साथ साथ। तो हम देखेंगे यहाँ पर चौक का पहला मंदिर, एक मंदिर, दो मंदिर, और यहाँ पर जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए, और आगे पुनः एक दो तीन, तो इस तरह से सात मंदिर का हिसाब होता हुआ। इसको दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए दोपड़े का चौक, सात मंदिर का लंबा चौड़ा, ये एक गली, बाहरी हार मंदिरों के भीतर एक गली, ये थम की हार के साथ साथ ही, ये देखिए थम की हार, ये दूसरा मंदिर, दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए, आगे तीन गलियां, तो इस तरह से सात मंदिर का हिसाब हुआ। उन्हें ये शोभा देखते हुए इन पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं, ये बाहरी हार मंदिर एक गली, और ये देखिए
दोपड़े के थंब इसके साथी ये थंब की हार। तो जो ये वर्णन आता है कि जुड़ाफे के मंदिर और दाएं बाएं दो थंबों की हार तीन गली, तो दोपड़े में ये गली इस चौक के और इन मंदिरों की हार की भीतरी गली भी इन दो थंबों की हार तीन गली में शामिल होती है। तो इस तरह से सात मंदिर का हिसाब हुआ। इसको जूम करके देखते हैं। ये एक मंदिर, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो जो ये वर्णन आता है जुड़ाफे का मंदिर दो थंबों की हार तीन गली, वो तीसरी गली यहां से ली गई। तो इस तरह से ये सात मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। अब इन चौक में खुद को महसूस करें कि हम इन चौक में हैं। उन सुंदर शोभा को देखें, कले किलम ऊपर थंबों को बढ़ाई के चंद्रमा घेर कर थंबों की सुंदर शोभा, दो तरफ मंदिरों की कतार रंगों नखों में झिल मिलाती हुई, और दो तरफ लगभग मध्य में जुड़ाफे के मंदिर और उसके दाएं बाएं नजर करेंगे तो हमें दो थंबों की हार तीन गली नजर आती हुई। जबकि हम देखेंगे मंदिरों की हार के भीतर एक गली, उसके बाद दो मंदिर की जगह छोड़कर ये जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए फिर तीन मंदिर की शोभा, इस तरह से ये सुंदर शोभा। अब हम आते हैं त्रिपड़े के चौक में। त्रिपड़े के चौक कैसे है? ये है इस तरह से, तो आठ मंदिर का लंबा और ऐसे सात मंदिर का चौड़ा। दोपड़े के ठीक सन्मुख सीध में सात मंदिर की चौड़ाई, इनमें भी दो थंबों की हार तीन गली में मंदिरों की भीतरी गली शामिल होती हुई। तो इस तरह से सात मंदिर का लंबा, आठ मंदिर का चौड़ा, ये त्रिपड़े का चौक। तीन रास्ते, एक तरफ हवेली की दीवार लगती हुई, मंदिर लगते हुए, इनको बोलते हैं जुड़ाफे के मंदिर, जुड़ाफों के मंदिरों की सुंदर शोभा। और अब हम देखते हैं चौपड़े की शोभा, जिसकी चार रास्ते हैं। ये आठ मंदिर का लंबा चौड़ा, ठीक मध्य जुड़ाफे का मंदिर लगता हुआ और दाएं बाएं तीन तीन गलियां। तो ये सुंदर शोभा हुई दोपड़े, त्रिपड़े और चौपड़े की।